بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كل كوثر بلنت الصلاة जानता हूं, लेकिन अब तुम्हें जुबान से सुनानी पड़ेगी। तू करने क्या लगा है?
मेरे मालिक मैं तेरी नमाज पढ़ने लगा हूँ। फरमाया नमाज की नीयत सुना, नमाज की नीयत क्या की? मैं दो रकअत नमाज़े फज्र पढ़ता हूँ, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। दो रकअत ये नीयत नहीं है, ये रकअतों की तादाद है। नमाज फजर ये नमाज का नाम है, वाजिब ये उस नमाज की शरई हसीयत है। इसका मतलब नमाज के रकअतों की तादाद बताई, नमाज का नाम बताया, उसकी शरई हसीयत बताई। इसमें नीयत कहाँ पे है? मेरे मालिक तो नमाज का नाम है, रकअतों की तादाद है। इसका मतलब नीयत अगले तीन लफ्जों पे है जो अरबी जुबान में है, कुर्बतन इलल्लाह। मैं अल्लाह के तरफ करीब होना चाहता, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता। कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह। बड़ा मुख्तसर से बोलता है, कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बत अल्लाह नहीं, कुर्बतन इलल्लाह। कुर्बत और अल्लाह के दरमियान एक लफ्ज है इला। इला कहते हैं तरफ को। मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब करे। मैं उस तरफ जाना चाहता जो मुझे अल्लाह के करीब करे। अगर अपने बला में बैठ के ये सवाल है कि वो तरफ कौन सी है जो अल्लाह के करीब करे। आप कहते हैं मैं उस तरफ जा रहा हूं, उसका मतलब मंजर उधर। अगर आप खुदा की तरफ जा रहे हैं तो खुदा को एक जगह पे महदूद मांगना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह को एक जगह पे मुअय्यन महदूद मानना पड़ेगा। वो महदूद हो जाए बोलना नहीं जाए। तो आप किसकी तरफ करीब होना चाहते हैं? नियत की है अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। मैंने भी नमाज की नियत कर ली कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि वो अल्लाह की तरफ कौन सी है। मशरक में वो है, मगरब में वो है, ऊपर वो है, नीचे वो है, और मैं नियत कर चुका था मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। जब तुझे अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो फिर अल्लाह के तरफदार ढूंढ ले। कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनकी तरफ वो है जो अल्लाह की तरफ है। मैं कुरान की कचहरी में हाजिर हुआ, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, मैंने नमाज की नीयत कर ली है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। मुझे पता तेरे पास कोई ऐसा है जो अल्लाह के करीब रहता हो ताकि मैं उस तक पहुंचूं, वो मुझे अल्लाह की तरफ करीब कर दे। कुरान ने कहा हाँ, मेरे दामन में नाम है उसका मूसा है, लकम उसका कलीमुल्लाह है। इसका दावा है ये अल्लाह से बात करता है, इसका दावा है ये अल्लाह से कलाम करता है, इसका दावा ये अल्लाह से गुफ्तगू करता है। तो इसका मतलब अगर ये गुफ्तगू करता है तो ये अल्लाह के करीब भी क्या होगा, करीब क्या हुआ तो अल्लाह की तरफ भी जानता होगा। मैं बार बार मूसा में हाजिर हुआ, मैंने कहा ये कलीमुल्लाह मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, मुझे क्या तूने अल्लाह को देखा है? मूसा ने कहा उसने मुझे बुलाया था, कोह तूर में मेरी नलैन को उतरवाया था, मुझे खड़ा कर दिया था। मैंने अल्लाह का वजूद नहीं देखा, मैंने अल्लाह का बदन नहीं देखा, मैंने अल्लाह का जिस्म नहीं देखा, तो फिर खुदा ने तुझे कलीमुल्लाह क्यों कहा? तू अल्लाह से बातें कैसे करता था? मूसा ने कहा एक शजर था, शजर से आवाज आती थी, मैं सवाल करता था वो जवाब देता था, मैं गुफ्तगू करता था वो आवाज देता था। आवाज शजर से आती थी और वो अल्लाह की आवाज थी, आवाज शजर से आती थी और वो अल्लाह की आवाज थी। लिहाजा जो शजर मुकद्दस से आवाज आती थी वो अल्लाह की आवाज थी। मैंने भी ज़माने तालिबे इल्मी से पढ़ा कि एक शजर से आवाज आती थी, मैंने पूरी तफसीर खोल खोल के देखी वो कौन सा शजर था, वो कीकर का था, वो शीशम का था, वो बेरी का था। आज हम उस शजर को अपने घरों में लगाए, उसके पत्ते अपने मरीजों को खिलाए कि ये है वो शजर जिससे अल्लाह बोला था। हर एक में शजर 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 शजर, मैंने समझा शायद उस दौर में कोई शजर था और फिर उठा लिया होगा। पहली बार नजफ आया, मैंने मफाती से अपनी आवाज सलाम हो। मैंने कहा इसका मतलब है कि मूसा तो अल्लाह के करीब नहीं गया, मूसा को तो सिर्फ आवाज आई थी। मैं बारगाह मूसा में गया, मैंने कहा नमाज की नीयत अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, मेरी नीयत थी अल्लाह के करीब होना, लेकिन तू तो कहता है तुझे आवाज आई है। मैंने कुरान से पूछा तेरे दामन में कोई और है? कुरान ने कहा हाँ, एक नाम है, बेटा वो मरियम का है, नाम उसका ईसा है, वो चौथे आसमान पे रहता है, उसके पास अल्लाह का कुर्ब है। मैं बारगाह ईसा में गया, मैंने कहा तू बता तू अल्लाह के कितना करीब रहता है? उसने कहा मैं भी कुर्ब की तमन्ना लेके आया था, लेकिन उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। उसने मुझे भी मुंतजमीन में से बिठा दिया। मैंने कहा कोई तेरे करीब से गुजरा हो? उसने कहा मैं रोज देखता
ہو، ایک ملک فرشتہ جاتا ہے، نام اس کا جبریل ہے، سیدن ملائکہ ہے، افضل ملائکہ ہے، یہ خدا سے وحی لے کے آتا ہے۔ میں جبریل کے پاس گیا، میں نے کہا تو مجھے اللہ کے قریب کر تاکہ میری نماز کی نیت پوری ہو جائے۔ جبریل نے کہا میں تو سدرۃ المنتہا تک جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں۔ اب میرا یہاں بیٹھ کے سوال ہے امت کے علماء سے کہ سدرا سے آگے جبریل جاتا نہیں ہے، خدا سدرا تک آتا نہیں ہے، تو سدرا تک جبریل کو وحی لے کے کون دیتا ہے؟ سدرا تک جبریل کو وحی کون دیتا تھا؟ جبریل نے کہا میں سدرا پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کوئی دوسرے بھی آگے گیا ہو، اس کا میں رک گیا تھا، محمد نالین پہن کے چلا گیا تھا، محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا پھر مصطفیٰ کے پاس اللہ کا قرب ہوگا۔ میں مدینے میں گیا، میں نے کہا اے اللہ کا نبی، اے حبیب خدا، اے نعرہ حسنین، تو مجھ سے بتا تو اللہ کے قریب کیا ہے؟ تو میں قرب کی تمنا تھی، اس نے کعبہ کوثر کی منزل پہ روک دیا تھا، درمیان میں پردہ لٹکا دیا تھا۔ جب پردہ اٹھا، جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا، جو انگشتری آئی وہ علی کی تھی، جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا، جو انگشتری آئی وہ علی کی تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے علی ہے توحید کے قرب کا نام، علی ہے اللہ کی طرف کا نام، علی ہے اللہ کے رستے کا نام۔ موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرا پہ، محمد پردے کے راہ ہے، اس کا مطلب توحید کا قرب علی ہے۔ میں نجف میں گیا، میں نے کہا یا علی میری نیت مکمل ہو گئی، تو توحید کا قرب ہے۔ علی نے نجف سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے چلاتے چلاتے کربلا چھوڑا، حسین کی سری کی طرف اشارہ کیا، سامنے لکھا ہوا تھا من سار الحسین فقد سار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت۔ جب تک ہم شیعیت کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو بھی منبر سے بیان نہیں کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ ضرور امام حسن بھی قیام کرتے کریم کربلا کرتے، لیکن وجہ تھی قلت عرصے۔ آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، جب امیر المومنین نے جو کوفہ میں دوڑ لیا، میں بالکل کیونکہ یہ تاریخی حقائق ہے، میں بچوں کو روشناس کے پاس کے آپ کو سرکاری حضرت امام حسن کی سیرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کو جب حکومت اور خلافت دی گئی ہے، حالات خلاف امیر المومنین کی شہادت جو ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت عام حالات میں ہوتی؟ کوفہ میں آپ جمل جمل سفین نہروان، یہ تو جنگی ہیں جو امیر المومنین پانچ طرح کے طبقوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلی ہر ایک مولا امیر المومنین کے لشکر میں سپاہی محبت علی میں نہیں تھا،
मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में एक तादाद वो भी थी जिन्होंने मौला अली से पहले वाली खिलाफतों को तस्लीम किया हुआ था, लेकिन मौला अली को बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन समझते थे मौला अली का लश्कर। अब ये इसका मतलब ये तो फौज की एक तादाद थी, ये सरकारी सिपाही था, ये बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन का लश्कर। एक बात मेरे नौजवान मसला जहन में रखिएगा कि अरबों की हाल लड़ना मोहब्बत से ज्यादा कारोबार का लड़ना था, कम लोग थे जो मोहब्बत में लड़ते थे, लड़ाई अरबों का कारोबार था। वो बचपन में अपने बच्चों को तलवार चलानी सिखाते थे कि ये जंगे करेगा और जंगों के जरिए कमाएगा। ये जाते थे मैदान जंग में, जाते थे माल गनीमत लूटते थे, माल और सवाब लूटते थे, एक जंग के बाद जब तक घरों में माल पड़ा रहता अगली जंग के लिए निकल। अब जब इस्लाम ने जंगे लड़ी तो जब रसूल ने जंगे लड़ी तो इनको सबसे ज्यादा अमीर किया था खैबर की जंग। खैबर की जंग के बाद इतने अमीर हो गए थे कि तारीख कहती है कि इनके घरों में दिरहमों दिनार बोरियों में सड़ रहे थे, गल रहे थे, इनके पास खर्च करने के लिए नहीं थे। तो जिनके पास इतना कुछ पड़ा हो वो अगली जंग के लिए कैसे ले सकते। अब मदीना से मदीन के साथ त्याग करने के लिए लोगों या समय थे, मदीना से कोई मौला अमीरुल मोमिनीन का साथ देना बड़े कम अफराद थे जो सात खास अफराद थे जिन्होंने मौला अली का साथ दिया। अब मैंने कल भी एक बात कही थी कि पूरा कूफा बदनाम ना किया करो कि पूरे कूफे में बेवफाई आ गई, बड़े बड़े मुजाहिदीन कूफा में मौजूद थे। अब अमीरुल मोमिनीन जब कूफा आ गए तो कूफा में आके जंगे पहली जंग हुई, जंगे बगैर नतीजे के खत्म इसलिए हुई कि जंग अली जीत गए थे लेकिन अली ने अपने लश्कर को मुखालिफ लश्कर का माल नहीं मांगा। मुखालिफ की कोई एक भी चीज नहीं मिलती, लिहाजा जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन का साथ दिया जंग की हाथ में खुश नहीं। अगली जंग जंगे सफीन हुई बगैर नतीजे के खत्म हो गए, अबू मूसा अशअरी जैसा किरदार सामने आ गया, जंग बगैर नतीजे के खत्म हुई इनके पास कुछ नहीं। फिर उसके बाद नहरवान वाली जंग। अब पांच तरह के तबके हो गए, एक तबका वो जिन्होंने बतौर खलीफा तो मुस्लिमीन अली का साथ दिया, माल गनीमत कुछ नहीं मिला लेकिन उधर शाम में दिरहम दिनार माल और सर लालच वजारतें मर्जी की हुकूमतें मर्जी की गवर्नमेंट। तो जिनको माल दुनिया का लालच था वो अली का साथ दिया। पहला तबका वो जिन्होंने माल दुनिया में अली विलायत को छोड़ छोड़ा, दौर खत्म नहीं हुआ। उस दौर को समझोगे तो ये दौर समझ में आएगा। माल दुनिया की लालच में अली के मुखालिफ माल असबाब वजारतें हुकूमतें अली छोड़ी छोड़ी, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का साथ छोड़ा। अब अमीरुल मोमिनीन के पास खास असर मोहम्मद बिन अबी बकर की रस्ते में शहादत हो गई, माल के असर जैसा अली का जरी तरीन कमांडर शहीद हो गए। अमीरुल मोमिनीन के पास तो खास अली के नौकर थे, जब उनकी शहादतें हो रही हैं तो अब अमीरुल मोमिनीन को दिन बदिन किल्लत अंसार सामने आ गई। हत्ता के आखिरी खुतबा जो महबूब बलागा में है मौलाना अमीरुल मोमिनीन ने दीवारें मस्जिद कूफा पर सलाम किया। आप ये ना समझे कि आपने मरता हुआ खैबर और खंदक में नहीं देखा, आप मौला अली की जिंदगी के वो हालात पढ़े जिसे एक ईरानी ऑथर ने लिखा है अली और अली की तन्हाई, आपको समझ आए कि अमीरुल मोमिनीन को अहल मजलूम क्यों कहा जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने मसले को साथ दीवार के साथ लगाकर वो ठंडी कर दिया, इसने कहा वाय हो तुम पर कि तुमने अबू सुफयान के बेटे और अली में कोई फर्क नहीं समझा। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया था या अली आपको तकलीफ, अली कहते हैं मुझे मैदान में जंग की तलवार और नेजे से ज्यादा जख्म तक लगता है जब मेरा मुवाजना माविया के साथ किया जाता है। कहां जिगर खार का बेटा और कहां मैं, मुझे अपनी फजीलतें बतानी पड़ती है उसके सामने। ये था अमीरुल मोमिनीन का दौर गुंबद। मौला अमीरुल मोमिनीन लोगों को इकट्ठा करते हैं, लश्कर साथ चलने के लिए तैयार नहीं।
अब जितने मुकद्दस नमाज लोग थे जिनके चेहरों पे दाढ़ियां थी, ये तारीखी किरदार जो आपके सामने, मुसाबाई को नाम दिया गया मुकद्दसीन। ये लोग कौन थे? चेहरे पे दाढ़ियां, माथे पे मेहराब काले, और नमाजें पढ़ पढ़ के इनकी कमरे झुकी हुई। इन्हें खवारज कहा जाता है। इन्होंने कूफा में अली के खिलाफ लाखों बढ़ना शुरू किया। अली को मनाने जाने लगे, अली तो इख्तियार का ख्वाहिश रखता है, अली तो सिर्फ हुकूमत चाहता है, अली ने तो पूरे कूफे की औरतों को बेवा कर दिया, अली चाहता क्या है? लोग इनके माथे का मेहराब, इनके सजदे, इनकी इबादत देख के अली के खिलाफ। दूसरा गुरु जिन्होंने इबादत गुजार बन के लोगों को अली से पीछे किए, दौर जिंदा है। ये खवारिज कौन थे? ये यहूदी थे, ये काफिर थे, ये ईसाई थे। शैतान ने दूसरा गुस्सा हुसैन अली के खिलाफ कर दिया, उसने इबादत गुजारों को अली के सामने खड़ा कर दिया। इन्होंने इबादत गुजार बन के रातों को, ये इतने इबादत गुजार थे कि ये रात को पूरी रात मस्जिद में बैठते थे, पूरी रात इबादत करते थे। एक दिन मौला मेरे मोमिन से मस्जिद ने कहा, या अली आप इनके खिलाफ बात करते हैं लेकिन ये तो बड़े इबादत गुजार हैं, क्या क्या करते हैं? या अली ये तो मस्जिद से निकल नहीं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते कि जिस तरह ऊंट के पुतले पे निशान होता है उनकी पहचानी। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में गए तो ये मस्जिद में इबादत करा देते। अमीर अल मोमिनीन ने जाके इनसे सवाल किया, अब आगे भी अली थे, अली ने फरमाया हर वक्त मस्जिद में बैठे रहते हो, खानदान का निजाम कैसे चलाते हो? अब अली के पीछे कूफे के लोग हैं कि अली उन मुकद्दसीन को बुला, उन्होंने यूं सर उठा के कहा, बड़ी अब फकीराना मजाक सुना, मिल जाए तो खा लेते हैं। हाँ, ये तारीख है, ना मिले तो सब, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सबर करते हैं। हाय 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 हाय, आगे भी अली था। अली मुस्कुरा कर, ये काम तो कूफे के कुत्ते भी करते हैं। शुक्र करते हैं, मिल जाए तो मार देते हैं। अब एक ये गुरु जो इबादत गुजार बन गए के खिलाफ, किस दौर में हमारा बात सब इबादत हमारा जहरी इबादत का लिबादा अली के खिलाफ, माल दुनिया के लालची, माल दुनिया की हिर्स में अली के खिलाफ। अब अमीर मोमिनीन के पास गिनत इंसान है, लोग नहीं है। अली नहरवान के लिए चंद चंद 100 लोगों को लेकर निकलते हैं और उनको भी रस्ते में उनके घर की औरतें ये कह के वापस भेज जाती हैं कि तुम अली के साथ जा रहे हो तो घरों के चला कैसे जाए। अली तो चाहते हैं कि शायद हमारी नस्ल खत्म हो जाए। और अमीर मोमिनीन जब जब नहरवान की तरफ जाते हैं तो रस्ते में सितारों पे जाने वाला बैठा, वली का रास्ता रोक के कहता है, अली लश्कर लेके वापस चले जा, सितारों की हालात तेरे मुवाफिक नहीं है। अली मुस्कुरा के कहता है, तुझे खबर है सितारों को चलने का हुक्म कौन देता है? उसने कहा, अली जंग में नुकसान ज्यादा होगा तेरा। अली के लश्कर किसी की ये तारीख है, मौला अली के अमीर साथ जा रहे हैं, लश्कर अमीर का ही, और अमीर मोमिनीन कह रहे हैं कि हम जंग जीतेंगे। और वो शख्स नहीं था, इबलीस था, जो रूप बदल के एक इंसान बन के, एक सितारा शनास बन के रस्ते में बैठ कर लोगों को अली से हटा रहा था। उसने कहा, सितारों की तलाश करने की मुवाफिक नहीं है, जो भी जाएगा मर जाएगा, मैं खून देखता हूँ, अली के लश्कर का खून देखता हूँ। और अली के लश्कर में लोग अली को छोड़कर सितारा शनास की बात सुनते, ये सुने तो सही, ये सितारों का इंजाम, ये कहता है कि अली के लश्कर में समर जाएंगे। अली कहता है, मेरी भी सुनो,
मेरे लश्कर में 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं, उनके लश्कर में 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं। अब मुझे क्योंकि बहुत तफसील मौजूद है, ये इसको पूरी तफसील से पढ़ा जाए, सफीर पढ़ी जाए, नहरवान पढ़ी जाए, ख्वारिज का फितना पढ़ा जाए। अमीर अल-मोमिनीन इन हालात में छोड़ के गए हैं कि अब एक नारा अली के सामने बार बार आता था कि अली लड़ते क्यों हैं, अली लड़ते क्यों हैं, अली लड़ते क्यों हैं, अली बार बार मैदान में क्यों जा रहा है, अली क्यों लोगों को मरवा रहा है, अली का लश्कर क्यों बार बार है लश्कर। अब अमीर अल-मोमिनीन के सामने जाने जा रहे अली के साथ चुन चुन के शहीद कर दिया। माल के अस्तर के बाद अली की कमर टूट गई। माल के अस्तर की शहादत की खबर जब अली को मिली तो अली ने फरमाया बा खुदा मालिक मुझसे वही निस्बत थी जो मुझे अली को मोहम्मद से। अली फरमाते हैं कि आज मेरा दायां बाजू कट गया। मोहम्मद बिन अबी बकर की शहादत की खबर मिली तो अली चीखे मार के भागे। अली फरमाए मोहम्मद मेरा बेटा था। बेटे अली के कद के बराबर थे। अमीर अल-मोमिनीन 40 साल को इसी बेवफाई इसी किल्लत इंसान की वजह से मौजूदे मुसलमान शहीद किया गया। जब अली की शहादत की खबर शाम पहुंचती है तो शाम में खुशियां मनाई जाती है। अब जो कूफा के लोग हैं, बस मैं अपने मौजू को बिल्कुल खत्म करने के करीब आ रहा हूं, ये जाहिर तौर पर जनाब इमाम हसन शहंशाह के पास इख्तदार को आस पास एक साल पूरा इमाम हसन खामोश बिल्कुल खामोश। 41 हिजरी तारीख में इमाम हसन की खामोशी एक साल के अंदर कितने फैले शुरू हो जाते हैं। हसन लड़की उड़ रहे, हसन लड़की उड़ रहे, हसन लड़की उड़ रहे, ये है ये अली से कह रहे हैं कि लड़ क्यों रहे और इमाम हसन से कह रहे हैं कि आप लड़ने के लिए मौलाना हसन कुछ मौला फरमाते हैं अगर तुम्हें लड़ाई पे जाने का ये शौक था तो तुमने मेरे बाबा को तनहा क्यों किया था। मैंने वो हालात अपनी आंखों से देखे हैं, तुमने मेरे बाबा से बेवफाई की है। 40 साल अफराद ने मौलाना हसन के हाथ हिफायत की, सिर्फ 40 साल अफराद। पर जब मौला हसन ने क्याम किया तो शिया कितने लोग निकले, 4,000, सिर्फ 4,000। उधर से मुआविया ने ज़ुहाक बिन कैस की सरबराही में अपना लश्कर भेज दिया कूफा की तरफ हमला करने के लिए। इमाम हसन ने कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी की क़यादत में सिर्फ 1,000 उनको भेज दिया और इमाम हसन ने अपने भाइयों को अपने साथ साथ अब हिकमत इमाम कितनी थी। लोग कह रहे थे ऐ हसन आप अपने भाइयों को लश्कर में क्यों भेज रहे। मौला हसन फरमा रहे मेरे भाइयों का लश्कर मेरे सामने से हुआ क्या। इधर इधर कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी लश्कर लेके चला या कैस के लश्कर में ये खबर फैला दी गई कि तुम लड़ने के लिए जा रहे हो और हसन सुलह कर रहा है। कैस ही के लश्कर में यानी कि मौला हसन ही के लश्कर में से 1,000 में से 400 लोग टूटते और आके इमाम हसन पे हमला कर देते। भाइयों को साथ में रखा था, जब 400 हमला करने आते तो हसन के भाई हसन के सिपाही बन जाते। अब इमाम हसन को जख्मी हालत में मदाइन लेके गए। तारीख सुना दो मैं आपको, तारीख की हकाई के ताकि आपको आईमा के द्वार समझ में आए उस दौर के तराजू में आप पास कर दो कि किस तरह के लोगों में हमारे आईमा ने जिंदगी गुजारी। शिया का नारा लगाना आसान है। इमाम हसन मदाइन चले जाते हैं, मदाइन में कौन है, मदाइन में मुख्तार के चचा अकरा। मैंने कल भी जनाब मुख्तार पे बात की थी, कोई शिया मुख्तार को फरामोश नहीं कर सकता। बदबख्त और मलाऊन है जो मिंबर पर अहले बैत के इस्तेमाल कर मुख्तार के खिलाफ भौंके। जनाब मुख्तार के बेटे हाकम बिन
मुख्तार में मेरे पांचवें इमाम के पास आके मुख्तार का बेटा रोया। मेरे पांचवें इमाम ने कहा कि ये कौन है? पता चला कि मुख्तार का बेटा हाकम है। मेरे मौला बाकर मिंबर से उठ के खड़े हो गए और हाकम बिन अमीर मुख्तार को सीने से लगाए, तो हाकम बिन अमीर मुख्तार चीख के मार के रो गए। मौला बाकर ने फरमाया, क्यों रो रहा है? कहता, मौला लोग मेरे बाबा को बुरा भला कहते हैं, लोग मेरे बाबा की तकदीर करते हैं। जनाब बाकर कहते, दुनिया को छोड़ो, दुनिया ने तो अली के खिलाफ जबान दराजी की थी, मैं मोहम्मद का बेटा होकर कह रहा हूँ, तेरे बाबा का हमारे मोहम्मद पे एहसान है। एक एक तारीखी वाक्य है जिसको मैं सही करना चाहता हूँ। मुअर्रख ने एक वाक्य को लिखा है और उसका नतीजा गलत कर दिया। देखिए, तारीख का काम होता है अखबार की तरह, जैसा न्यूज पेपर है ना, तारीख सिर्फ खबरें लिखती है, फिर एंड में नतीजा बदल देता है। तारीख का एक वाक्य को अमीर मुख्तार के खिलाफ इस्तेमाल किया, उस वाक्य की हकीकत सुनाऊंगा और आज की मैच यहाँ तमाम होगा। जब इमाम हसन मुख्तार के चचा के घर पहुंचते हैं, तो मुख्तार का चचा जो है मुदाइन का गवर्नर मेरे चचा के पास मदाइन पहुंच गए। मुख्तार को यह डर था कि क्योंकि मदाइन जो है ये शाम वाले हाकम के अंदर आता है, तो मेरा चचा जो है वो गवर्नर है, तो इसका मतलब भी, जबकि वो अपनी जाती तौर पे गवर्नरी कर रहे थे, पहली खिलाफत का दौर से इनको मदाइन अपने बाजुओं के जोर पे मिला हुआ था और कोई भी हुकूमत ने इनको हराने की कोशिश नहीं की। अब यहां पर एक किरदार है, आप उसको जाके सुनिए। जनाब मुख्तार शरीफ बिन और हारिस के साथ मशवरा करके अपने चचा के घर रात के वक्त और रात के वहां जाके अपना चचा जो गवर्नर है उसको मिलते हैं और मिलकर कहते हैं, मैं रात की तरीके में आपसे मशवरा कर रहा हूं। क्या मशवरा? उन्हें कहा, तुम्हें पता है कि जनाब मुख्तार कहते हैं कि माविया ने अपनी हुकूमत फैला दी है और उसने बहुत से बलाद इस्लामी जो है वो कब्जे में ले लिए, शहर कब्जे में ले लिए और उसकी हर शहर में गवर्नर बैठ गए और वो इमाम हसन से लड़ना चाहता है। अगर हम इमाम हसन को हाकिम शाम के हवाले कर दें तो वो इसके बदले में हमें बहुत ज्यादा मानो सर भी दे सकता है और अपनी मर्जी की गवर्नरी भी हमें दे सकते हैं। हम जो गवर्नरी चाहेंगे उसे ले देंगे। चचा ने मुख्तार का चेहरा देखा, ये वाक्य तारीख है, दुश्मन ने भी लिखा, अब उसने यूं देखा, अब जो दुश्मन था उसने आखिरी सतर खत्म कर दिया। उस आखिरी सतर की वजह से मुख्तार के किरदार को मुतनाजे बनाने की कोशिश की गई। ये वाक्य दिखा के मुख्तार ने कहा, ये शिया लिटरेचर दिखा मुख्तार ने कहा, चचा ने मुख्तार की तरफ देखा, क्या कहा हसन को मानता है? कहने का, हाँ कर दे। चचा उठा, उसने मुख्तार को यूं गिरेबान से बांध दिया, घसीर से कोई तरीके से दरवाजा खोल के बाहर फेंक देता, काश तुझे मरे भाई का बेटा ना होता तो मैं तेरा कत्ल कर देता। मुख्तार ने जमीन पर पड़े हुए अपनी गर्द को साफ किया, साफ उसके चेहरे पर मुस्कुरा दिया, उसका शर्म नहीं आती, मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बस मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, क्या तसल्ली होगी, तेरा कीड़ा भी मेरे वाला ही है। बस एक खौफ मुझे सुकून नहीं देता था कहीं तुम हाकिम शाम के लालच में आके इमामत से धोखा न कर लेना। और ये कह के अमीर मुख्तार ने अपनी अबा को खोला और नीचे से तेज दार खंजर निकाला, निकाल के कहा, तूने मेरा हया किया है, अगर तू कहता ना कि हवाले कर दे, मैंने तेरा हया नहीं करना था, मैंने तेरा सरकम से जुदा कर देना था। ये अयाम जो थे इमाम हसन ने मजारे जख्मी बन गया था। कल इंशाल्लाह कल वाली मजलिस में शराइत मुआहदे के मुहर्रिकात और तमाम तफसीलात पढ़ेंगे। 28 सफर हमारे यहाँ दो तरह से मनाई जाती है, एक है ज़हरा की यतीमी की रात, सबसे ज्यादा पुर दर्द मशायर है सैयदा के बाबे का, और ये हमारी कमजोरी और हमारी मजबूरी है कि हम शिया होकर भी मुस्तफा का कत्ल नहीं करते। बल्कि पाकिस्तान में पाबंदी है रसूल की शहादत, रसूल का कत्ल,
मेंबर से पढ़ने की इजाजत दी जाती है, ये तो करबला है, ये तो फातिमा के बेटों की जमीन है, यहाँ तो अबुल फजल अब्बास का पहरा है। मैं तुम्हें आज सुनाने लगा हूँ ज़हरा के बाबे की शहादत। सात बार जहर मिली थी मुस्तफा को, एक जहर खैबर के लिए हुई औरत लेती थी, सात बार जहर। इससे पहले जब जनाब मलिकतुल अरब की शहादत आई थी, मलिकतुल अरब मलिकतुल अरब की शहादत में इसलिए कह रहा हूँ, शेर अबी तालिब ने कमजोर कर दिया था ज़हरा के लिए। जब गलिसाद के साथ आखिरी वक्त बीबी खदीजा तुल कुबरा से मिलने के लिए उनके हुजरे में आए ना, तो जमीन पे बैठी हुई थी चादर बिछा के ज़हरा के लिए, बड़ी कमजोर हो गई थी बीबी। मेरी शहनाई ने यूं हाथ जमीन पर रख के पूछने लगी, रसूल ने बीबी के उठने से पहले खुद जल्दी जल्दी जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए ज़हरा की मां, सारी जिंदगी मेरा इस्तकबाल किया है, अब आप बड़ी कमजोर हो गई हैं, ज़ईफ़ा हो गई हैं, अब आपका बदन ज़ईफ़ हो गया है, फातिमा की माँ तुझसे उठा नहीं जाता। बीबी रो के कहती है, ज़हरा का पापा आपको मैंने हुजरे में इसलिए बुलाया है, मेरी आखिरी रात है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछने लगी हूँ। रसूल खुदा की आवाज में फातिमा की माँ, बता क्या पूछना चाहती है। बीबी चादर के नीचे से हाथ जोड़ के कहती, कमीजी में कोई फर्क तो नहीं आया। या रसूल अल्लाह मैं खवैलत की बेटी, मेरा बाप ताजर था, मैं बड़ी ताजरा थी, या रसूल अल्लाह मैं आपके घर रही, या रसूल अल्लाह मैंने पूरा माल आपके इस्लाम की राह में लुटा दिया, या रसूल अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरे घर कई कई रातें फाके से गुजारी है, या रसूल अल्लाह मुझे तेरी नबूवत की कसम है, मैंने 3.5 साल शेबे अबी तालिब में पानी से गुजारा किया है, या रसूल अल्लाह मैं अमीर बाप की बेटी थी, मैंने पूरी जिंदगी आपसे अपने लिए बेहतर लिबास नहीं मांगा, बेहतर खुराक नहीं मांगी, या रसूल अल्लाह जैसे गुजारा होता रहा मैं खदीजा करती रही, बीबी बोलती रही, रसूल रो रो के सुनते रहे। इधर जनाबे खदीजतुल कुबरा की हिचकी आई, या रसालते बाप की आवाज आई, आखिरी वक्त में खदीजा एहसान बता रही है, खदीजा अगर तूने एहसान किया है, अल्लाह ने बदला भी दिया है, अल्लाह ने तुझे ज़हरा जैसी बेटी दे दी है, अल्लाह ने इमामत तेरी नस्ल में रख दी है, अल्लाह ने तेरे बेटों को जन्नत का सरदार बना दिया है, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कायम रहने वाली इमामत की तुझे माँ बना दिया है। बीबी खदीजा ने सर सजदे में रख के कहा, जितने एहसान उसके शुक्र के अदा करो, कोई शुक्र अदा नहीं हो सकता कि उस अल्लाह ने मुझ पे क्या क्या एहसान किए हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं एहसान नहीं बता रही, मैं तो तुम्हें अपनी नौकरी सुना रही थी। रसूल की आवाज आई, अगर एहसान नहीं तो फिर सुनाया क्यों है। कह लगी, बतौर सौजा बतौर बीवी मैं शौहर से कुछ तो मांग सकती हूँ ना, इतने सालों में सो मैंने कुछ नहीं मांगा। रसूल की आवाज आई, तो चाहे मुझसे मांगे, इतना कहना था बीवी खदीजा हाथ जोड़ के कहती है, बस एक सवाल है, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल। मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखना, इतना कहना था। रसूल चीखे मार के आए, अगली सदर में सरदार साहब पढ़ूंगा, अगली सदर में माफ करना। रसूल रो के कहते, जितनी देर जिंदा है उतनी देर रखूंगा, मेरे जाने के बाद तेरी बेटी से क्या क्या बदले लिए जाएंगे खदीजा मैं बता नहीं सकती। माँ के जाने के बाद रसूल ने ज़हरा को बाप बन के भी पाला, माँ बन के भी पाला। ये जो कल वाली रात गुजरी है ना, ये कल वाली रात थी जब रसूल को जहर मिला। एक मलौना औरत रसूल के हुजरे में,
बिस्तर पे फातिमा रहा था, इस मदोना ने पानी में सहर मिलाया। मैं करबला में बड़ा हूं, मैं झूठ बोलू, मैं सहारा का मुस्लिम हूं, किसी मदाउन की बेटी थी, दो मदाउन दरवाजे पे खड़े थे और ये उधर थी। मैं कह रहा हूं कि अतरे मोहम्मद पढ़ा जाए तो मजमे से जनाजे उठेंगे। मुस्तफा अपने हुजरे के अंदर थे, दो औरतें हुजरे के अंदर आई, एक ने मोहम्मद के पेशानी पे हाथ रखा, दूसरे ने पानी का प्याला मोहम्मद के मुंह में देना शुरू किया। रसूल हाथ उठा उठा के कह रहे थे, मेरी बेटी सहारा के लिए है, ओ मेरी फातिमा भाई के लिए। मिल गया ना जब जहर, रगों से जहर उतरा मुस्तफा। किताबें कह रही नबी की हालत बदल गई। जब नबी की हालत बदली है, नबी के बाद में कोई अली को बुलाओ, कोई हसन को बुलाओ, कोई मेरे बच्चों को बुलाओ। अली हसन हुसैन दौड़ के आ गए। रसूल का हुजरा आज भी कब्र में रसूल की है, उस हुजरे में, इस हुजरे में मोहम्मद की औलाद का आना किसी औरत ने बंद किया हुआ था। अहले बैत खिलाफ के बड़े करीम थे ये। जब खबर मिली तो ज़हरा रोती हुई दौड़ी, अमीर अल-मोमिनीन हसन हुसैन ने अमीर अल-मोमिनीन टेक दी, यूसी ने भी टेक दी, या बाहर दरवाजे से चंद लोग अंदर आए। अली तू यहां क्या कर रहा है, तुझे नहीं खबर कि रसूल की सौदा तो है कागज कलम दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के दू। जब कहना कागज कलम दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के दू, आवाज आई मोहम्मद कागज कलम मांग रहा है। मैं करबला में झूठ बोलू, मुझे सहरा माफ ना करे, मैंने बीबी फातिमा से जिंदगी मांगी, उसके घर की गुर्बत और हक पढ़ने के लिए है। मैंने सफर कर लिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने औलाद छोड़ दी है, लेकिन मैंने मोहम्मद की बेटी के हक पे कोई समझौता नहीं किया। मैं करबला में बैठ के कह रहा हूँ, मुझे मौला गाजी उस दिन कुत्ते की मौत दे, जिस दिन मैं सहरा के बेटों से बेवफाई करूँ, जिस दिन मैं औलाद सहरा के हक में समझौता करूँ। इधर अली ने आवाज देगा, कागज कलम दो, एक कमीना करीब खड़ा होकर हजार पक रहा है, इसे दुश्मन ने लिखा।
کہ مانگا تھا محمد بیٹھا ہوگا اس کو انہوں نے کہا کہ اس قلم دے دیا اتنا شور کیا رسول کے اوپر رسول کی آواز نکل جاؤ میرے چہرے سے باہر پھر وہ حسین کا حملہ تھا تین رات زہرا کا بھی سرپرائز نہیں ہے پھر نماز بھی محمد نے حجرے میں پڑھی ہے رات کی تاریکی میں باپ سے ملنے کو بیٹی آئی تھی اب میں بالکل شہادت کے قریب آ گئی ہوں رات کی تاریکی میں بیٹی ملنے آتی تھی میری مائیں بہنیں بیٹی میں بیٹھی ہیں کسی بیٹی کا باپ ہاسپٹل میں ہونا جی اور رشتے دار خواتین کہیں کہ تو دو راتوں سے لاٹ رہی ہے تو اب گھر چلی جا ہم ہیں وہ کہتی نہیں میں باپ کے سرحانے سے نہیں اٹھوں گی ایسا نہ ہو کہ میں وہاں سے جاؤں اور میرے باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی کہ میں گھر آ گئی تھی اور میرا پاپا دنیا سے چلا گیا میں گھر چلی گئی تھی میرا پاپا دنیا سے چلا گیا تم کربلا میں بیٹھے ہو ماتم کرنے کا حق ادا کر دینا آج ہماری بیٹیاں ہاسپٹل میں باپ کو بیمار چھوڑ کے نہیں جاتی 25 سفر کا محمد تو شہر ملا تھا تین راتیں سہارا حجرے کے دروازے میں بیٹھی رہی علی رو رو کے کہتے اٹھ فاطمہ گھر آ جا رو کے کہتے حسن بٹی پہ سلا دے حسین بٹی پہ سلا دے مجھے میرے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میرا پاپا چند راتوں کا مہمان ہے اللہ جانے میں گھر چلی جاؤں میرا پاپا آنکھیں بند کر لے میں بابے کے پاس سے ملا دروازے میں بیٹھے کہیں پانی پا بابا بڑی مشکل شہادت ہے رسول کی دروازے میں بیٹھے کہیں پانی بابا جب آخری آپ نے یہ نہیں کی رسول سے آواز دے کے علی نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ فرمایا غلام میری فاطمہ فاطمہ کریم ابو کربلا میں بیٹھے ہو جیسے حسین سکینہ کو پیار کرتے تھے زہرا بیٹھی ہے جو فاطمہ کی اولاد بیٹھی ہے جو سیدہ کی اولاد بیٹھی ہے مجھے جملہ معاف کر دینا جیسے حسین کو پیار کر سکتے اس سے کہیں بڑھ کے پیار تھا رسول نے سیدہ کو سر اپنے سینے سے مجھے بول کے بتاؤ بابے کے بعد زندہ کتنی دیر رہی ہے تیس دن ساٹھ دن پچہتر زیادہ سے زیادہ نبے میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ کتنے دن رہی ہے بس میں اتنا پڑھتا ہوں جتنے دن رہی ہے رہی ہوتی ہے بابے کے بعد پھر چپ نہیں ہوئے آخری رات سنا جاؤ سجاد مجھے معاف کر کے میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں آخری رات رسول کی زہرا جی بابا زہرا میرے قریب آئی جی بسم اللہ میرا نبیوں کا سردار بابا وہ میرا سید المرسلین بابا وہ میرا خاتم النبیین بابا وہ میرا حبیب پروردگار بابا زہرا اپنا سین اپنا سر میرے سینے پہ رکھ فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا میں پہلا جملہ کربلا میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں میرے بس میں ہوتا میں زندگی دیتا جملہ نہ پڑھتا رسول نے جو سہارا کی وصیت کی میں کربلا میں منت کر کے کہہ رہا ہوں سید و محمد کی وصیت یاد رکھنا رسول نے سہارا کو سر کو اپنے سینے پہ رکھا زہر ملا ہوا تھا اور محمد رو کے کہتے فاطمہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا فاطمہ میرے بعد علی کو تنہا نہ چھوڑنا زہرا لوگ غدیر کے بعد میرے اور علی کے دشمن ہو گئے
मेरे बाद गदीर का इंतजाम रखना, अली की विनायत पहला बेटा, और रसूल के जाने के बाद एक एक दरवाजे पे चल के गई है, जाके दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहती थी मैं मोहम्मद की बेटी तुम्हारे घर चल के आई, क्यों छोड़ दिया तुमने अली को। बाबा हम कब मिलेंगे, रो के मोहम्मद की बेटी का माथा चूमने का थोड़े दिन की बात है। सारा हम दोबारा मिलेंगे, सारा मेरे जाने के बाद उम्मत के जुल्मों पे सब्र कर लेना, जहरा मेरे जाने के बाद अली की विलायत की गवाही भरे दरबार में जाके देना, जहरा मेरे जाने के बाद उम्मत रंग बदल लेगी, जहरा जिस मस्जिद में मिंबर के करीब जाती थी मैं एहतराम में उठता था, जहरा तुम्हें कई कई घंटे उस दरबार में खड़ा रहना पड़ेगा, फातिमा तुझे उस दरबार में अकेले जाना पड़ेगा, जहरा मेरे जाने के बाद दरबार में अपने हक की गवाही के लिए चली जाना, जहरा बात फतक जमीर की नहीं है, जहरा बात अली की विलायत की है, जहरा मेरे जाने के बाद गासिबान खिलाफत को उड़िया कर देना, जहरा की आमद तक के लिए दुनिया तेरा हक पढ़ के अलीवन वलीउल्ला पढ़ेगी, दुनिया तेरा हक कबूल करके अलीवन वलीउल्ला पढ़ेगी, बेटी का सर बाप के सीने पे था या बाप की आंखें बंद होनी शुरू हो गई, मैं सदा से माफी मांग के कहता हूँ अभी बाप के कब्र की मंडी खुश्क नहीं हुई थी, या मोहम्मद की बेटी उसी दरबार में चली गई, दरबार में जाके सतूर के पीछे खड़ी हो गई, हाकम तख्त में बैठा हुआ था ये देखेगा इस सतूर के पीछे कौन औरत खड़ी है, सलमान की आवाज आई हया कर मोहम्मद की बेटी आई है, जबकि मोहम्मद की बेटी आई है इसने तख्त में खड़े होकर कहा पूछ क्या लेने के लिए आई है, आवाज आई बाबे का लिखा हुआ लेके आई हो मुझे बाबे की जमीन चाहिए, ये तख्त में खड़े होकर कहने लगा मोहम्मद कोई विरसा नहीं छोड़ के गया था, मोहम्मद की कोई जमीन नहीं है, तेरे पास कोई सबूत तो है तो दे, सहरा ने अपने पंखे के नीचे से कांपते हुए हाथों से बाप की तहरीर निकाली, तहरीर हाथों से होती होती हाकम के हाथ में आई, मैंने मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ के अपना वतन छोड़ा था, आज करबला में वही हक दोबारा पढ़ लगा हूं, तहरीर हाकम के हाथ में आई, मुझे हुसैन के सैदे की कसम है, ये उठ के खड़ा हुआ आज का हम शक्कर शक्का, इसने तहरीर को फाड़ा, मैं गलत पढ़ू खासी मुझे माफ ना करे, इसने बैठी तो सर के बाल काले थे, उठी तो सर के बाल सफेद हो गए, सनत के पुर्जे जमीन पे पड़े थे, दीदी एक एक पुर्जा उठाती थी अपने बुरके में रखती थी, एक एक पुर्जा उठाती थी अपने बुरके में रखती थी, अब मैं देखूंगा कौन मातमी है जो चेहरे का मातम न कर सकेगा, दीदी पुर्जे उठाती हुसैन को देखती, पुर्जे उठाती हुसैन को देखती, हसन रो के कहते हैं मां तेरा बड़ा बेटा हो अब मां तू हुसैन को क्यों देख रही है, रो के दिन माए बच्चों की तरबियत करती है, जैसे मैंने सनत के पुर्जे उठाए कर कासम की लाश के टुकड़े, और मेरा गरीब करबला बेटा, और मेरा मजनू में करबला, हौसला 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 हौसला, ये कदर पाकिस्तान में नहीं पढ़ा जाता, मैं बेटों की जगीर में मां का कदर पढ़ रहा हूं, मैं बेटों की चकीर में मां का कदम पड़ रहा हूं,
मैं बार बार कसमें दे रहा हूं तुम्हारे आंसुओं की खातर, जो जुमले खौफ की वजह से तुम्हें नहीं सुनाए जाते वो मैं जुमले करबला में सुना रहा हूँ। जिंदगी का कोई पता नहीं, लेकिन एक बार हुर्रत ए सहारा सुन लो। मैं करबला में बैठ के जमीन की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि सनद के टुकड़े फाड़े गए थे। सैयद सादा में माफी मांग के जुमले पढ़ता हूँ, अगला जुमला मैं खोल के नहीं पढ़ सकता। फातिमा का एक हाथ चेहरे पे था, सहरा का एक हाथ चेहरे पे था, हसन की आवाज है अम्मा तेरा चेहरा सखमी क्यों है। करम आदम हुसैन की माँ का, करम आदम सहरा का, और सैयद डर की वजह से नहीं पढ़ा जाता। जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह नहीं की, जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह नहीं की, मैं तुम्हें किताब से मौला हसन के लोहे की एक सतर सुनाऊं। तुमने लोहा खानों से लोहा सुना है, शोरा का कलाम सुना है। सरदार साहब ने मौला हसन का लोहा पढ़ने लगा, पढ़ा, कहा था मेरे मौला ने कब्रे मोहम्मद पे जाके, वीर जोगी साहब कब्रे मोहम्मद पे जाके मौला हसन ने लोहे की पहली सतर पढ़ी थी, मदीना हिलना शुरू हो गया था। हसन रोके गंगा, तेरी इज्जत की कसम है, मेरी माँ से अब नमाज में कनूत नहीं पढ़ा जाता, मेरी माँ का कनूत के लिए हाथ नहीं उठता। तीन दर पढ़ूंगा, तीन दर शहादत नहीं, कितनी सखनी थी नहीं पढ़ूंगा, कहां कहां सखम आया नहीं पढ़ूंगा। मैं करबला में सहरा की शहादत का दर्द, ये नहीं कि डर है, डर नहीं, खौफ है इनमें मातमियों में से किसी मातमी का जिगर न फट जाए। तुम्हें सहरा की शहादत रोज रोज नहीं सुनाई जाती, खुल के नहीं सुनाई जाती, बस तीन दर्द पढ़ने लगा हूं। पहला दर्द, किताबें लिखती हैं ये कायनात की वहद मसलूमा है जिसे सात चादरों का कफन मिला है। मैंने छोड़ दिया मुसाहिब, अगर अब तुम आदम ना कर सके तेरा नसीब है। ये वो मजलूमा है जिसे सात चादरों का कफन मिला है। अब मुझ पे सवाल करके अली ने अमीरी की वजह से सात चादरें दी थी, अली ने पहली चादर दी, फिजा की आवाज है या अली चादर लहू से भर गई है, अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है या अली सकम बड़ा गहरा है, अली ने तीसरी चादर दी, आवाज है या अली सहारा का पहलू से खोने को कहा, अली ने चौथी चादर दी, फिजा की आवाज है या अली हुसैन की माँ बड़ी सखनी है।
میں محمد کی بیٹی ہے, مصطفیٰ کی بیٹی, دونوں کے لیے تیری بابا تیرے بعد بڑی مصیبتیں پڑی, بابا تیرے بعد پڑتی دن کالی راتوں میں بدل جاتے ہیں, بابا تیرے بعد تیری فاطمہ غریب ہو گئی, بابا انہوں نے میرا عزا خانہ جلا دیا, بابا انہوں نے میرے گھر کا دروازہ جلا دیا, بابا انہوں نے میرے گھر کی چھت توڑ ڈالی, بابا انہوں نے مجھے زخمی کر دیا, بابا میرا ہاتھ زخمی, بابا میرا بازو زخمی, بابا میرا چہرہ زخمی, بابا میرا پہلو زخمی, بابا تیری بیٹی زخمی ہو کے تجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے, زہرا کی تدفین کے بعد آخری ایک منٹ کے بعد میں منبر چھوڑنے لگا ہوں اور منبر سے دعا کر رہا ہوں, میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو ماں نہ مرے, باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی ہے, اولاد چھوٹی ہو اگر ماں مر جائے تو باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی, رشتے دار آ کے کہتے یہ بچہ مجھے دے دے میں پال لوں گی, کوئی بہن کہتی بیٹی مجھے دے دے میں پال لوں گی, علی کی بیٹی اور بیٹے چھوٹے تھے, زہرا دنیا سے چلی گئی, امیر المومنین زہرا کی تدفین کے بعد گھر واپس آئے, علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا, ایک منٹ ہے کربلا میں ماتم کر لینا, بی بی فضیہ بھی آواز آئی یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا, یا علی چراغ روشن کیجئے, علی نے چراغ روشن کیا, فضیہ کی آواز آئی یا علی وہ مٹی پہ تیری زینب بیٹھی ہے, وہ ریت پہ تیری کلثوم بیٹھی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے, یا علی میں پری حویلی تلاش کر کے آئی ہوں, مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا, مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا, علی نے تلوار سے تلوار کھینچی, علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے, علی کی